नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिदनू ब्लॉक में सफाई कर्मियों की यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष मनेंद्र सिंह पर ब्लॉक में ही तैनात सफाई कर्मी हरीश ने ब्लॉक के पैसों का गबन करने का आरोप लगाया है। हरीश ने एडीओ पंचायत उदयवीर के सामने मामले की शिकायत भी की। एक अन्य सफाई कर्मी मनोज कुमार ने भी हरीश के आरोपों का समर्थन किया है। उधर सफाई कर्मियों के यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष मनेंद्र सिंह ने आरोपों पर सफाई पेश करते हुए कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष की कुर्सी के लिए ये आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है और जाँच भी चल रही है। जाँच रिपोर्ट आने पर सब कुछ। जी, क्या नाम है आपका? मनेंद्र सिंह नाम है मेरा। अच्छा मनेंद्र जी, आप जो सफाई कर्मी के अध्यक्ष हैं, अच्छा अभी जो कुछ दिन पहले जो एक आपके ऊपर आरोप लग रहा था, जो आपके यूनियन के या जो भी कर्मचारी हैं हरीश जी, उन्होंने आप कई तरह के आपके आरोप लगाया, जैसे कि पैसे का आरोप लगा, एक पुलवामा हमले का कुछ चंदा उसका आरोप लगा, फिर जो गाड़ी ओड़ कभी लखनऊ के लिए उसका आरोप लगा, फिर ये आप कर्मचारियों के जो सफाई कर्मी उनका शोषण करते हैं, पैसा ले लेते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, ये क्या मामला है, क्या है इसकी पुष्टि? ये हरीश जो है हमें पूरी तरह फंसा रहे हैं। जी जी जी। वो जो है कुछ करना काम तो करना नहीं चाहते और संबंधित हमारे अधिकारी इसकी जांच भी कर रहे हैं। जी जी। तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो ये बोल रहे हैं, सारा गलत बोल रहे हैं और मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं तो उसमें क्या है, किस लिए फंसाने का प्रयास कर रहे हैं? अब ये जो है इसके पीछे क्या राजनीति है? अब ये अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। और अध्यक्ष बनने के लिए यूनियन से परमिशन लेनी पड़ती है। जी जी जी। और उससे परमिशन लीजिए और चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए। अच्छा, आपको क्या साल हो गए अध्यक्ष बनने? मुझे लगभग 5 वर्ष हो गए। अच्छा, ये क्या प्रोसीजर है इसका चुनाव होने का, जैसे कितने कितने साल? ये हमारा जिला अध्यक्ष जी उसकी सूचना जारी करते हैं। मिनिमम एक अध्यक्ष क्या साल तक संभालता है अपनी कुर्सी, इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं। अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत पाल है। जी श्रीकांत जी, ये बिदनू में जो मामला चल रहा है बिदनू ब्लॉक में सफाई कर्मियों का, ये क्या है, क्या प्रकरण है पूरा? दरअसल मैं जिले का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते जो भी आरोप लगाए गए वो तथ्यहीन है। और जैसे पुलवामा उलवामा का जो भी फंड बता रहे हैं वो बाकायदे पुलवामा अटैक का फंड सीधे अकाउंट पर गया है और इसकी जाँच शायद मेरे संबंध में शिकायत एक कमिश्नर साहब के आगे हुई थी। जी जी जी। तो शायद मेरे समझ में उस समय तो डीपीआरओ महोदय इस समय वाले नहीं है, पांडे जी थे और उसके बाद उसकी जांच हुई तो शायद जांच ये हमारे डीपीआरओ महोदय जी ने ही किया। परंतु तो उसमें ये क्लियर कट बात हुई कि जो फंड लिया गया वो सीधे उनके खाते में। इस तरह से हरीश जी जो आरोप लगा रहे हैं कि जो सफाई कर्मी का अध्यक्ष मानवेंद्र, हरीश जी को अभी मैंने कमेंट्स भी किया था कि COVID-19 में राजनीति करने का नहीं है, उनको कुछ लोगों ने ब्लॉक अध्यक्ष बनाने के लिए पुशअप किया, जबकि चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष है। चुनाव प्रक्रिया ऊपर प्रदेश से कार्यकारिणी से तय होता है। 8 जून तक चुनाव होना था, परंतु अध्यक्ष और क्रांति सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है और रमेश सिंह जो महामंत्री, उन्होंने अभी डायरेक्टर को और समस्त डीपीआरओ महोदय को आदेश जारी किया गया है कि अभी 8 जून को जो चुनाव होने थे वो स्थगित किए जाते हैं। जब चुनाव की प्रक्रिया आएगी तो चुनाव की प्रक्रिया इस तरह से नहीं होती कि किसी ब्लॉक अध्यक्ष को या किसी जिला अध्यक्ष को आरोप लगा करके उसको हरेसमेंट किया जाए और चुनाव जीतने के लिए ये सब हथकंडे किए जाए। ये बिल्कुल जो इनके आरोप है वो तथ्यहीन है। और उस आरोप को क्या समझा गया, घोटाले का आरोप या राजनीति आरोप? ये राजनीति का ही है और राजनीति करने वाले भी इनके पीछे और कुछ लोग हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जो ब्लॉक अध्यक्ष या कुछ इस तरह का बनना चाह रहे होंगे तो ऐसे स्कैम एक है। अच्छा, जैसे आप लोगों का जो ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाता है कमेटी में, जी जी, ये इसका चुनाव किस तरह से होता है? इसका चुनाव पूरा जैसे आम चुनाव जो कार्यकारियों के चुनाव होते हैं इसका। अच्छा, कर्मचारी अपनाएगी, यूनियन चुनते हैं। हाँ, यूनियन पूरा होता है। यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष जब चुने गए तो नया पंचायत अध्यक्षों द्वारा वोटिंग हुई, तब ये निष्पक्ष चुनाव हुआ पूरा। हाँ, निष्पक्ष हुआ। इसमें अचानक इसी का दरार पड़ गई की जो है बिल्कुल से। अब दरअसल चुनाव का नजदीक टाइम आ रहा था, 8 जून को चुनाव होने थे, इस वजह से इसलिए ये उठा। जैसे कि अभी इनके ऊपर ये आरोप लगाए गए कि उन्होंने यहाँ पैसा लिया है, वहाँ लिया है और घर में काम कर रहे हैं, तो ये तुरंत ही चुनाव के पहले ही की मुद्दे हैं, ये सोचने का मामला है। वैसे हमारा कार्यकारिणी जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष है। जिले कार्यकारिणी से कोई भी संबंधित अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो हमारे संबंधित अधिकारी इतने इस समय जो डीपीआरओ महोदय है और वो निष्पक्ष तरीके से इन सब चीजों की जाँच करते हैं। और इस समय जो एडीओ पंचायत जी हैं वो भी बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उनसे हम लोगों की कोई शिकायत नहीं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर प्रसाद है, विकास खंड ठाकुर प्रसाद जी। क्या मामला है, क्यों मीटिंग रखते हुए? मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि हमारे जो सफाई कर्मियों के साथ जो शोषण हो रहा है और वसूली हो रही है, उस वसूली के विषय में मीटिंग रखी गई। ये शोषण वसूली कौन कर रहा है? ये शोषण वसूली जो मनेन्द्र हमारे सफाई कर्मियों का अध्यक्ष बना है, तो ये मनेन्द्र कर रहे हैं। इसकी शिकायत आपने संबंधित अधिकारी से की कभी? संबंधित अधिकारी से करने का कोई मौका ही नहीं देता था, कहता था किसी अधिकारी से कहोगे आगे बढ़ोगे तो हम तुम्हारी इस पर तनख्वाह रोक देंगे, तुम्हारा पेरो नहीं बनाते हैं और सस्पेंड करवा देंगे। लेकिन आप लोग मतलब ऐसे सफाई कर्मी को चुना, ऐसे अध्यक्ष को चुना जो आप ही लोगों का नुकसान किया जा रहा है? पहले ऐसा नहीं था। अच्छा अच्छा। आज इनके मन में लालच उमड़ता गया, कभी 2 पैसे का, फिर 4 पैसे का, फिर 10 पैसे का। जब इसका लालच इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, तो हम लोगों ने ये आवाज उठाई है। और सबसे बड़ी बात है, दूसरी बात ये है कि हम सबको इतना शोषण कर रहे हैं, इतना शोषण कर रहा है इसकी कोई सीमा नहीं है। स्वयं कभी गांव क्षेत्र में नहीं जाता था कार्य करने, ब्लॉक में बैठ के ही नेता नगरी करता था और ब्लॉक से ही फोन करता था कि मैं तुम्हारे गांव फलाने गांव में खड़ा हूं, ये खड़ा हूं। और ये सब अधिकारियों बगैर अधिकारी से तो कुछ नहीं होगा। ये कौन से वो अधिकारी जो इसको सह दिए हैं? ये अधिकारी जो ब्लॉक के अधिकारी है वही सह दिए हैं, कोई दूसरा बाहर का जिले का अधिकारी तो आएगा नहीं सह देने। इस प्रकार से ये सारी विकास दुबे बिदनू में मने बिक्रम में विकास दुबे जी जी क्या कह रहे हैं आप? बिक्रम विकास दुबे कुछ थे जी जी, दोनों में कुछ मनेन सिंह है, तो वही खौफ यहाँ पे ही है। उसकी वजह से सफाई कर्मचारी को फील बहुत ज्यादा तेज है, तो वो बोलने नहीं देता है, वो किसी भी सफाई कर्मचारी को बोलने नहीं देता है और ना कुछ करता है। तो क्या आप लोग आप अपने अध्यक्ष को बदलना चाहते हैं? बिल्कुल बदलना चाहते हैं, स्वच्छ एकदम क्लीन अध्यक्ष माना मांग रहे हैं हम लोग। और इसकी शिकायत हम कल डीपीआर साहब को लिखित में बात तौर पे दी जाएगी, उसके खिलाफ विज्ञापन भी तैयार किया, वो भी विज्ञापन इनको सौंपा जाएगा। धन्यवाद। क्या मामला था, किस चीज की मीटिंग रखे हैं ब्लॉक में? ब्लॉक में हमने मीटिंग रखी थी। कौन सा ब्लॉक है ये? ये बिद्दू ब्लॉक है। अच्छा, आप कौन है? हम यहाँ पे सफाई कर्मी हम भी हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरीश चंद है। अच्छा हरीश जी, क्या मामला हो गया था, क्यों यहाँ मीटिंग किया, किस चीज की? मामला सिर्फ यहाँ पे जो शोषण हो रहा है उसके प्रति हमें रोकने के लिए मीटिंग की थी। अच्छा अच्छा। इसमें सफाई कर्मी महेंद्र सिंह था जो हम लोगों का शोषण रातों दिन कर रहा था। अच्छा, जिस गली से उसको निकलना है उस गली से उसको पैसा दारू ये चाहिए थी बुला के, तो ये करता था। जबकि इसका यहाँ पर मुद्दा रहा है कि ये कुछ लड़के इसके डर के कारण ब्लॉक नहीं जिला छोड़कर ही चले गए हैं, ब्लॉक नहीं जिला छोड़कर चले गए हैं। गंगाधीन संगाति पर इन्होंने अपने मकान में काम करवाया, उनको बिल्कुल जबकि वृद्ध हैं वो हैं। और हमारे आपने इस चीज की शिकायत हमने डीपीआरओ या संबंधित एडीओ किसी को की ब्लॉक में? जी, हमने इसकी शिकायत एडीओ साहब से अभी की है। अच्छा, आपको बताया है एडीओ साहब ने, ये कहा आप अपनी शिकायत डीपीआरओ साहब कार्यालय में भेजा के, तो इसकी कल हम इसकी एक कॉपी आपको दे रहे हैं, एक कॉपी आप के यहाँ पहुँचा दी जाएगी बाय एंड। इसके खिलाफ हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे हम, और हम पीछे नहीं हटेंगे। जितना मुद्दा है पूरा मुद्दे के खिलाफ लगाएंगे, तो भी इसके बाद मेरे पास वीडियो ऑडियो सब कुछ रिकॉर्डिंग है। जिस दिन हमें एडीओ साहब छुट्टी देंगे वो हम उनका वो वीडियो डीपीआर साहब ने हमें ठाकुर प्रसाद जी को बुलाया भी है, जिस दिन मुझे जहाँ छुट्टी मिलेगी उस दिन हम लोग वहाँ जाएंगे, उन्होंने सारे साक्ष मेरे सामने रखकर उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या नाम है आपका? गंगाधीन जी। क्या मामला हो गया, जैसे एक आरोप लग रहा है कि जो सफाई कर्मी मानवेंद्र सिंह है वो, हाँ मनेन्द्र सिंह, वो असल में जो है सफाई कर्मी तो है जी जी, लेकिन उनको जो है हमने बनाया था अध्यक्ष बनाया था आप लोगों ने, बनाया था मतलब हमारे पूरे कर्मचारियों का अध्यक्ष। अध्यक्ष का मतलब ये थोड़ी है कि वो कर्मचारियों को जो है बना के घर में जो अपना काम कर रहा है निजी, अच्छा अच्छा, सरकारी काम करवाइए तो ठीक है जी जी जी, अपना निजी मकान बनवाओ या कुछ काम करो। कई दिन आप उसके यहाँ काम किए मनेन्द्र सिंह के यहाँ? 4 दिन किया। अच्छा अच्छा। और इसके बाद अगर हमको कोई मुसीबत है तकलीफ है हम उनसे पूछते हैं कि भैया आज ड्यूटी नहीं जाएंगे, तो बोलते हैं पंचायत साहब से बात करो भैया। जिस दौरान आपने कार्य किया था, क्या उस दौरान एडीओ पंचायत उदयवीर सर थे या कौन थे उस समय? उस समय थे अतुल शुक्ला जी। के संज्ञान में आपने ये बात डाली कि जो सफाई कर्मी है हमारा अध्यक्ष भी और हमसे अपना मकान बनवा रहा है? अच्छा,
क्या कारण था जी, किस लिए? सर ये था कि अगर उनकी हम खिलाफत करते हैं तो हमारे साथ जो है बहुत अत्याचार करने लगते हैं। अच्छा, हर जगह अगर कहीं रोस्टर लगता है तो सबसे पहले जो है हमारे समाज के जितने कर्मचारी हैं उनका नाम लिखा जाता है, उनको भेजा जाता है। इसके बाद फिर जो है अदर कास्ट को देखने के लिए और वैसे जैसे अदर कास्ट के लोगों को भेजेंगे जो नेता टाइप के हैं, नेता टाइप के हैं और जो घूम मतलब सब नजरों में ये वो भी आए हैं कर्मचारी अदर कास्ट, लेकिन काम करने वाले नहीं, तो नेतागिरी करने वाले हम इन लोगों से काम करवाने वाले, ए गंगा दिन ये काम करो, ए गंगा दिन ये काम करो, इस तरह के अदर कास्ट। प्रशासन से और डीपीआरओ से आप क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन और डीपीआरओ से हमें कोई शिकायत नहीं है और ना हमें उनसे शिकायत करना, लेकिन ये अपने ब्लॉक का मामला है और तो इसलिए जो है हम अपना अध्यक्ष बदलना चाहते थे, तो अध्यक्ष से दूसरा अध्यक्ष हम चुने लेकिन इसका मौका नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? मुन्नी जी, क्या मामला है, क्यों मीटिंग रखी गई आज? मीटिंग है, ये सबकी मांग है तो हमारी मांग है जी। क्या मांग है आप लोगों की? अरे यही कि छुट्टी चपाती नहीं मिलती, अभी मौका का टाइम चल रहा है। अच्छा अच्छा, क्या डर इसको, किसी से पैसे मांगता, किसी से कुछ मांगता मने। अच्छा अच्छा, हम लोग की अभी दो दिन छुट्टी कर लिया, दो दिन का वेतन कट गया, दो दो दिन का। तो ये वेतन कौन काटा वाले छुट्टी? ये काटा के ऊपर वाले ने। क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार। निर्मल जी, क्या मामला है, क्या बात है? भ्रष्टाचार का सौदागर कौन है, कौन कर रहा है? मनेंद्र है। क्या क्या काम करते हैं मनेंद्र? काम ये है कि सर नाम बता के साहब का, कौन से साहब का नाम बताता है? अच्छे साहब हमारे वो। क्या नाम है साहब का, नाम क्या है? हमारा पैर टूटा था, बहुत मजबूर थे, आज में फिर भी है अपना साल करते रहे हैं, पर उसके बाद भी